जय हिंद। इस वीडियो में अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी के आज क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है, लेकिन इसके बावजूद आज इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट कैसा रहा, और उसके बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसके शेयर प्राइस में आज गिरावट क्यों हुई है, और साथ में यह भी जानेंगे कि मार्केट आज लास्ट आवर में इतना तेज़ी से नीचे क्यों गया। हर एक चीज़ पर बात होगी, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस से जुड़ी हुई है, और भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका भविष्य काफ़ी ब्राइट है। लोग दबा के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल यह कंपनी केवल सोलर पैनल से यानी कि सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का काम करती है, लेकिन अब धीरे धीरे यह विंड टर्बाइन के सेक्टर में भी अपना कदम बढ़ा रही है, और इसके लिए इसने सुजलॉन एनर्जी समेत तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं जो विंड टर्बाइन से बिजली बनाती हैं उसके साथ टाई अप करने पर विचार कर रही है। देखिए, आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है 4 मई के दिन, और इसी दिन कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया लगभग 2 बजे के आसपास। और इस मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड देने की बात नहीं कही है, तो आपको मैं बता दूं कि अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी ग्रुप के तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट के लिए मैंने यह डाटा लिखा हुआ है। क्वार्टर फोर के लिए यह कॉलम बनाया है, और पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर थ्री के लिए यह कॉलम है, और यह जो कॉलम आप देख रहे हैं यह पिछले साल के जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था उसको बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। समझेंगे, क्वार्टर फोर में अडानी ग्रीन एनर्जी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है 1587 करोड़ रुपये का हुआ है। सारे फिगर्स करोड़ में समझने में आसानी होगी। और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो यह रेवेन्यू 1471 करोड़ का हुआ था, तथा अगर साल भर पहले देखेंगे तो 1082 करोड़ का कंपनी को टोटल रेवेन्यू हुआ था। अब समझिए, सालाना स्तर पर देख रहे हैं लगभग 500 करोड़ का कंपनी को अधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, और क्वार्टरली बेसिस पर देखें तब भी यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। मतलब ओवरऑल कंपनी का सेल्स जो है बढ़िया से चल रहा है, और इसी के बदौलत कंपनी को रेवेन्यू जबरदस्त हुआ है। अब बात करें एक्सपेंसेस की यानी कि खर्चे की, तो देखिए क्वार्टर फोर में कंपनी ने टोटल खर्च किया है 1430 करोड़ रुपया अपने बिजनेस पर, अपने अलग अलग कार्यों पर। अब जो कि आप पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो सेम था 1430 करोड़ रुपया, और अगर साल भर पहले देखेंगे तो 969 करोड़ रुपया कंपनी ने खर्च किया था। तो आप एक बात समझिए, पिछले साल के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा खर्च बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो खर्च नहीं बढ़ा। अब ऐसा क्यों हुआ है? जबकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है तो कंपनी को खर्चा भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन कंपनी ने खर्चा नहीं बढ़ाया है, क्योंकि आप समझिए मैंने क्या बताया, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से जुड़ी हुई अपना कारोबार करती है, और देखेंगे तो सोलर पैनल से बिजली बनाती है। तो जब एक बार सोलर पैनल लग गया तो उससे कई सालों तक बिजली पैदा होते रहेगी, उसको बार बार नया सोलर पैनल नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में यही फायदा है कि एक बार प्लांट लग गया अब उससे सालों तक आने वाले कई सालों तक बिजली पैदा होती रहेगी, बार बार उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी का खर्चा बच रहा है। अब बात करें तो पी ए टी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है। तो देखेंगे क्वार्टर फोर में अडानी ग्रीन को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 121 करोड़ रुपये का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 49 करोड़ का हुआ था। यहाँ से देखेंगे तो लगभग 140% यह निकल कर आता है। समझिए 3 माह में 140% का शानदार प्रॉफिट कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो इसका मैंने जैसे शुरू बताया कि बिजनेस अच्छा से चल रहा है, लोग दबा के इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट होना स्वाभाविक है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं खर्चा भी कंपनी का नहीं बढ़ा है, तो प्रॉफिट तो होगा। साल भर पहले देखेंगे तो 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, सालाना स्तर पर भी बढ़ा है, और क्वार्टरली स्तर पर भी इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। अब बात करें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की, यह एक साल में एक शेयर पर कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है। तो देखेंगे क्वार्टर फोर में यह सिर्फ 0.58 हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.14 था। पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो जबरदस्त हुआ है, और सालाना स्तर पर देखेंगे तो यहाँ से कुछ खास नहीं बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ा है। देखिए अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का काफ़ी कम है, इसका जो अर्निंग पर शेयर है कम से कम रुपये में होना चाहिए, लेकिन इस मामले में यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। अब बात है कि शेयर में गिरावट क्यों हुआ, समझेंगे। देखिए आज जब मार्केट ओपन हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ओपन हुआ था 2800 रुपये पर, और यही इसका हाई भी है, अर्थात इसका ओपन हाई दोनों 2800 रुपये रहा। लेकिन शाम होते होते इसने लगभग 5.5% से अधिक की गिरावट के साथ 2669 रुपये पर अपना क्लोजिंग दिया। यहाँ से देखेंगे तो लगभग 150 अंक टूटा है, इतने हैवी अंकों की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग हुई। अब ऐसा क्यों हुआ समझिए, आज आरबीआई के गवर्नर की मीटिंग हुई लगभग 2 बजे। 2 बजे जब मीटिंग हुई उस समय तक लगभग नॉर्मल था। नॉर्मल क्या था, मार्केट आज ओपन हुआ वहीं पर तो हल्का डाउन चल रहा था, लेकिन इनकी मीटिंग शुरू होने के बाद से ही मार्केट में जबरदस्त बिकवाली का दौर शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आरबीआई के गवर्नर ने चिंता जताई है कि इन्फ्लेशन निकट भविष्य में कम होने नहीं जा रहा है, धीरे धीरे यह बढ़ेगा ही। और दूसरा इन्होंने चिंता ये व्यक्त की कि जैसे कोविड के चलते अभी फिर से बहुत से देशों में लॉकडाउन लग रहा है, चीन में लग गया है और यूरोप के कई देशों में भी लॉकडाउन लग रहा है, तो इस बात को लेकर उन्होंने चिंता जारी की है कि फिर से सप्लाई
सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका है। अब इसको मार्केट ने निगेटिव सेंटीमेंट की तरह लिया, हालांकि ये निगेटिव बात है ही, जब लॉकडाउन लग जाएगा सप्लाई चेन बाधित होना सही बात है, बहुत बड़ी टेंशन की बात है, तो इससे बाजार में जबरदस्त बिकवाली हुआ और इसी के बदौलत मार्केट आज डाउन गया। और देखेंगे तो निफ्टी आज 400 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 400 अंक टूटा है तो निफ्टी के जितने भी स्टॉक हैं उनमें लगभग सिर्फ अडानी ग्रीन की ही बात नहीं है, लगभग हर एक स्टॉक में आज गिरावट, हर एक कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। और यही हाल बीएससी के सेंसेक्स का भी है, वहां पर भी जबरदस्त बिकवाली हुई, उसके भी मैक्सिमम स्टॉक्स आज रेट निशान पर बंद हुए हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो अडानी ग्रीन का अभी भी 2500 लेवल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है, कंपनी ठीक है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है और रिजल्ट अच्छा आया है, तो आने वाले समय में शेयर प्राइस सुपर ही जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, आप इसमें बने रहिए। बाजार का मूड इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर आप अपना मूड मत खराब कीजिए, बाकी सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।